गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही सिंपल येट गॉर्जियस एक वैलेंटाइंस डे स्पेशल मेकअप लुक, जो कि बहुत रोमांटिक है, सॉफ्ट है, बिगिनर फ्रेंडली है, एट द सेम टाइम काफ़ी डिसेंट है। और ये मेकअप लुक आप किसी भी इंडियन वेयर या फिर वेस्टर्न वेयर के साथ कैरी कर सकते हैं, डे टाइम में भी कैरी कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं तो नाइट टाइम में भी कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एंड सेफ एंड बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक। तो इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं सारे ही आप अमेजन से इजीली परचेज कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में, क्योंकि अमेजन पे अभी चल रही है सेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने सारे प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड किया है और एक माई हॉल स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड किया है, जहां पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ चेकआउट भी कर सकते हैं या फिर उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कुछ स्पेशल ओकेशन के लिए मेकअप करते हैं तो उस स्पेशल ओकेशन की जो स्पेशलिटी है उसको दिमाग में आपको रखना है। अब देखिए, मैं ये जो मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ फॉर वैलेंटाइंस डे, आपके स्पेशल पर्सन के लिए। एंड आई एम डैम श्योर आपका जो स्पेशल पर्सन है वो ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं पसंद करता, बिकॉज जनरली बॉयज़ डोंट लाइक हेवी मेकअप। तो इसीलिए मैंने इस मेकअप को काफ़ी सटल, काफ़ी सॉफ्ट रखा, आपके नेचुरल फीचर्स को ही इन्हांस करके आप किस तरह ब्यूटीफुल एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मिनिमल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके। ज्यादा एकदम बोल्ड मेकअप लुक मैंने क्रिएट नहीं किया है, काफी सॉफ्ट डे टाइम एक सिंपल सा लुक है ये, जिससे आप अपनी तरह से भी इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा बोल्ड लिप्स के साथ कैरी कर सकते हैं नाइट टाइम में, अगर आप चाहते हैं तो आईज पर काजल वगैरह अप्लाई करके इंडियन किसी ड्रेस के साथ भी इसे कैरी कर सकते हैं। सो आप खुद का एक पर्सनल टच भी इस लुक में ऐड कर सकते हैं। बट मेक श्योर करें जब भी आप कुछ स्पेशल ओकेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, फॉर दैट फ्लॉलेस बेस आपको अपना स्किन केयर काफ़ी अच्छी तरीके से करना है। मैंने फेस वॉश किया है एंड देन एक हेवी मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, बिकॉज माई स्किन इज सुपर ड्राई। मैंने कोई प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने जस्ट जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है उससे मैंने अपने फेस को प्राइम किया है। आप चाहते हैं तो कोई सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाने के लिए। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है देन आप कोशिश करें कि लूज सेटिंग पाउडर या फिर कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर्स ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बिकॉज दिस इज़ विंटर सीजन। एट द सेम टाइम अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो जो पाउडरीनेस है वो स्किन से नहीं जाता एंड वो काफ़ी आर्टिफिशियल दिखता है। बट इफ़ योर स्किन इज सुपर ऑयली देन आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है देन पाउडर को थोड़ा सा अवॉइड करें। सो चलिए आप देख लेते हैं कि इस मेकअप लुक को मैंने किस तरह से क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर लिया है मैंने, मेरा जो शेड है वो है रेडियंस। ये मेरे स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्क और एक येलो काइंड ऑफ कंसीलर है, तो इसीलिए मैं इससे कलर करेक्ट करती हूँ अपने अंडर आई रीजन और पिगमेंटेड एरियाज़ पर। ऑलरेडी मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया है एंड देन प्राइमर के तौर पर मैंने मेकअप फिक्सर इस्तेमाल किया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही, और फिर मैं फाउंडेशन इस्तेमाल करूँगी, मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड एंड मैंने जस्ट एक पंप लिया है, एक पंप इज़ मोर देन इनफ। उसे जस्ट आपको डॉट्स में अपने होल फेस पर इवनली अप्लाई करना है एंड मैं अपने फिंगर टिप से ही उसे मैं डैब कर रही हूँ, ताकि प्रोडक्ट अच्छी तरीके से फेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड फिर मैं उसे अपने फिंगर टिप से ही ब्लेंड करूँगी। आई डोंट पर्सनली यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर और कोई मेकअप ब्रश, क्योंकि मुझे लगता है फिंगर की जो वार्म्थ है उससे अच्छी तरीके से मेकअप ब्लेंड हो जाता है, तो इसीलिए मैं अपने फाउंडेशन और कंसीलर फिंगर टिप से ही ब्लेंड करती हूँ। एंड यू ऑल कैन सी इसके साथ, फिंगर के साथ ना कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है एंड थोड़ा सा हमें इस तरह से डैप करके अप्लाई करना है एंड यू कैन सी हाउ फ्लॉलेस एंड नेचुरल माई बेस इज़ लुकिंग। नेक्स्ट मैंने मेबलिन फिट मी का कंसीलर लिया है, मेरा जो शेड है ये है 25 मीडियम, बट एक्चुअली ये मेरे स्किन टोन से ना थोड़ा सा डार्कर शेड है। मेरा जो परफेक्ट शेड है वो है 20 सैंड, तो अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने ये 25 मीडियम वाला ले लिया है। दिस इज़ माई समर शेड एक्चुअली, समर में जब स्किन टैन हो जाता है तब ये 25 मीडियम अच्छा रहता है मेरी स्किन टोन पर। मैंने इससे अपने अंडर आइज़ पर कंसील किया एंड देन मैं अपने पिगमेंटेड एरियाज़ पर भी मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। नेक्स्ट मैंने फिट मी का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, इसका जो मेरा शेड है वो है क्लासिक
आइवरी एंड द शेड इज़ परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन। और मैंने हल्के हाथों से इसे पहले उस एप्लीकेटर से अप्लाई किया है ताकि जो क्रीज वगैरह है वो फिल इन हो जाए, एंड देन मैंने एक बफिंग ब्रश से अपनी होल फेस पर जस्ट मैं इसे हल्के हाथों से अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैट पाउडरीनेस, बट जस्ट कंसीलर सेट हो जाए। नेक्स्ट मैंने ब्लू हेवन आर्टिस्टो जो ब्राउ पेंसिल है उसे इस्तेमाल किया है। जस्ट अपने जो स्पूली है उससे अपने आईब्रोज़ को मैंने ब्रश कर लिया है बिकॉज मेरे जो आईब्रोज़ है वो अभी ग्रूम्ड नहीं है, तो इसीलिए मैं जस्ट अपने आईब्रोज़ को ब्रश आउट करती हूँ ताकि वो एक क्लीन लुक मिले। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस न्यूट्रल्स पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन एंड दिस पैलेट इज़ सो वर्सेटाइल। इसमें से मैंने लाइट पिंक शेड लिया है एंड उसे मैं अपनी क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन मैंने एक ऑरेंज शेड लिया है जो कि थोड़ा सा डार्कर है और फिर उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पर ही अप्लाई कर रही हूँ एंड देन अच्छी तरीके से उसे मैं इस ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये जो लुक है ना ये काफ़ी एक सॉफ्ट रोमांटिक डे टाइम लुक है, इसीलिए मैंने कुछ शिमर्स इस्तेमाल नहीं किया है, डार्क कलर्स भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी इसे अप्लाई करूँगी एंड अपर लैश लाइन पर भी। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ये NY बेस स्काईलाइन ब्लश। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो मैं इसे एक्सेस को रिमूव कर रही हूँ एंड देन मैं इस तरीके से अपने एप्पल्स ऑफ माई चीक और थोड़ा सा चीक बोन्स पर भी मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। इसमें जो मेरा शेड है वो है सनडाउन रेड। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड हाईलाइटर जो कि मेरा फेवरेट हाईलाइटर है, एंड ये जो हाईलाइटर है ना ये डे टाइम के लिए भी परफेक्ट है, नाइट टाइम के लिए भी। मैं इसे एप्पल्स ऑफ माई चीक्स पर भी अप्लाई करूँगी और चीक बोन्स पर भी, एंड आई फील एप्पल्स ऑफ माई चीक्स पर अप्लाई करने से ना वो खूबसूरत सा नेचुरल ड्यूवी ग्लो मिलता है, एंड फिर ब्रिज ऑफ द नोज एंड टिप ऑफ माई नोज पर भी मैं इसे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं किया है, दैट्स व्हाई आई एम कर्लिंग माय लैशेस। रिसेंटली मैं कुछ वीडियोस के लिए ना अपने लैशेस को कर्ल करने लगी हूँ, पहले मैं बिल्कुल भी लैश को कर्ल नहीं करती थी, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अगर आप नहीं करते देन स्टार्ट कर्लिंग योर लैशेस। नेक्स्ट मैंने मस्कारा अप्लाई किया है मार्स का, विच इज़ अ ग्रेट मस्कारा, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। नेक्स्ट मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये लिप शेड अप्लाई किया है, ये है नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक एंड जो शेड है ये है डिवाइन वाइन, ब्यूटीफुल शेड है ये। एंड देन मैंने मेकअप को सेट करने के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक्स का मेकअप सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल किया है एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक। यू कैन सी कि मैंने एक रोमांटिक हेयर स्टाइल ट्राई किया है, तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, एक्सेसराइज कर सकते हैं अपने हेयर को और एक फ्लोरल ड्रेस भी वेयर कर सकते हैं। आई थिंक ड्रेसेस लुक सो प्रिटी, लेकिन मेरा वाला ये एक फ्लोरल टॉप है विच इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, दिस इज़ फ्रॉम Amazon ओनली। इस लुक को अगर आप क्रिएट करते हैं देन नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये मेकअप लुक आप सबको अच्छा लगा। इसी तरीके के मेकअप वीडियोस या फिर प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस जो भी आप देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।